नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी भी सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक लाइट के तिराहे चौराहे पे पीली बत्ती, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पीली बत्ती या अंबर लाइट जिसको बोलते हैं, येलो लाइट जिसको बोलते हैं, ऑरेंज लाइट भी कुछ लोग बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, आप कहीं भी पढ़ेंगे, किसी से भी पूछेंगे तो दो अर्थ बताते हैं इसके। एक तो होता है गो स्लो और एक होता है वेट। अब गो स्लो कहाँ होना है उसका यूज और वेट कहाँ होना है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी प्लीज वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, तो ये ट्रैफिक लाइट का तिराहा है। ऐसे पूरे देश में जहाँ जहाँ भी ट्रैफिक लाइट के तिराहे चौराहे रहते हैं, वहाँ पर हमको कब पीली बत्ती पर देख के क्या एक्शन करना है, ये मैं बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जहाँ पर ट्रैफिक रुका करती है, जहाँ भी ट्रैफिक रुकती है जेब्रा क्रॉसिंग के पहले, स्टॉप लाइन होता है, स्टॉप लाइन के पहले पब्लिक को रुकना पड़ता है, उसका गाड़ी का एक टायर भी उसके आगे नहीं होना चाहिए स्टॉप लाइन के आगे। आपको अगर जेब्रा क्रॉसिंग के जस्ट पहले, स्टॉप लाइन के पहले अगर आपको पीली बत्ती जलती हुई दिख गई, तो आप ये समझ लीजिए कि वो रेड ही है, वो लाल बत्ती ही है, ये आप समझ लीजिए और रुक जाइए वहां पर। आपका इस पीली बत्ती का मतलब होगा वेट। समझ गए आप मेरी बात को? तो किसी भी, और पीली बत्ती फिर किसके लिए हो गई वहां पर, जो ट्रैफिक बीच में तिराहे में जो ग्रीन पे, आखिरी का ग्रीन का एक सेकेंड भी बचा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, तो आप निकल सकते हैं। पीली बत्ती में दो तीन सेकेंड, चार सेकेंड का जो समय रहता है, वो इतना सफिशियंट होता है समय कि आप जो है उससे निकल सके। तो पीली बत्ती बीच वालों के लिए होती है, ना कि आपके लिए। अगर आपने इनिशियल स्टेज में, जहां पर हम कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग और उसके पहले स्टॉप लाइन, उसके पहले ही आपने सिग्नल पे देख लिया कि पीली बत्ती जल गई है, तो वहां पर आपको रुक जाना है, क्योंकि वो लाल बत्ती है। उसको पीली बत्ती ना समझिए, लाल बत्ती। अगर आप पीली बत्ती पे आएंगे तो निश्चित तौर पर लाल बत्ती पे आप फंस जाएंगे और ट्रैफिक आप, पुलिस आपका चालान कर देगी। फिर आप बहस करेंगे कि भाई साहब मैं तो निकला था तो पीली बत्ती जल रही थी। तो ये धोखा बिल्कुल नहीं करे। और आगे चलते हैं दोस्तों। तो पीली बत्ती पे सब साफ समझ गया ना, अगर आप बीच में फंसे हुए हैं, पीली बत्ती जल गई है, तो बीच में नहीं रुक जाना है। बीच में फंसे हुए हैं, जेब्रा क्रॉसिंग के आगे आ गए हैं आप, और फिर पीली बत्ती आपको दिखाई दे रही है, तो मतलब कि आप निकल जाइए वहां पर, मतलब हो गया गो स्लो, निकल जाइए। और इसी चौराहे तिराहे की मैं बात कर रहा हूं, जब ब्लिंकर्स स्टार्ट होते हैं, ब्लिंकर केवल पीली बत्ती जलती है मेरे प्यारे साथियों, वो ब्लिंकिंग करके जलती है, तो इसका मतलब ये होता है कि गो स्लो। गो स्लो का यहाँ पर ये मतलब हुआ कि हमें एक दूसरे को मौका देना है, पहले वो ट्रैफिक चला जाए फिर हम जाएंगे, एक दूसरे को पहले आप वाली पॉलिसी आपको लेके चलना है, तो यहाँ पर आप सक्सेस रहोगे और आपका दुर्घटना आपकी नहीं होगी। तो आइए मेरे साथियों, फिर से चलते हैं और आगे, क्योंकि पीली बत्ती का भी नियम पूरा बाकी है। वो है सिंगल पोल में आपने पीली बत्ती जलते हुए देखा होगा, वो किस लिए होता है, तो चलिए उस पर देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। प्लीज बने रहिए वीडियो पे। सिंगल पोल पे जी, जब कभी भी किसी भी डिवाइडर के बीच में, जो डिवाइडर मिड डिवाइडर होता है, जो गैप होता है, डिवाइडर गैप जिसको कहते हैं, वहां पर अगर सिंगल पोल में पीली बत्ती जल रही है, उसका मतलब ये होता है कि गो स्लो और देखकर अपने हिसाब से चलें, उसका यहाँ मतलब ये हो गया। और वो ब्लिंकिंग लाइट जलती रहती है मेरे प्यारे साथियों, तो ये आपको हर जगह पे, शहर में, हर बड़े शहर, छोटे बड़े शहर में, जहाँ भी सिग्नल का सिस्टम है, वहाँ पर ये अंबर लाइट जलती रहती है मेरे प्यारे साथियों, उसको अंबर लाइट कहा जाता है। इसको आप अपने भाषा में पीली बत्ती, ऑरेंज लाइट भी कह सकते हैं, लेकिन आज मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुनिएगा, कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जेब्रा क्रॉसिंग के पहले पीली बत्ती दिख गई जल्दी हुई, तो आप रुक जाइए, वेट कीजिए, आप या तो जाने के लिए या तो रुकने के लिए, वो रेडी फॉर, समझ गए, तो रेडी फॉर स्टॉप या रेडी फॉर गो, आप शुरू से पढ़ रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन वही रहता है। और जो बीच में ट्रैफिक में, हमारे चौराहे तिराहे पे जो बीच में ट्रैफिक रहता है ना, जैसे लास्ट के एक सेकेंड बचा हुआ है ग्रीन का और तब निकले और पीली बत्ती जल गई, तो
फिर ये गलती नहीं करना है, कई लोगों से ये गलतियां होती हैं कि बीच में रुक जाते हैं, पीली बत्ती देख लेते हैं, तो वो आपके लिए ही जली हुई है कि आप प्लीज निकल जाइए और पूरा ट्रैक जो है वो खाली कर दीजिए, ताकि लोगों को आसानी हो सके, जब उनका ग्रीन सिग्नल हो तो वो निकल सके। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे साथियों। अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, किस शहर में किस चौराहे तिराहे पे सिग्नल लगा हुआ है और वो डिस्टर्ब है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उस पर ये प्रॉब्लम होती है। मेरे प्यारे साथियों, मैं सभी से हाथ जोड़ कर ये निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप अपनी परेशानी बताइएगा। निश्चित तौर पर ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये बात भी पहुंच सके और वो सुधार कर सके, अगर कोई गड़बड़ी है कि कहीं भी सिग्नल सिस्टम में, तो वो बन सके। मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।